हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल बेस्ट कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज़ शिवानी। तो आज हम लोग बात करेंगे, हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर 10 क्लास 12 का, उसकी, ठीक है। ये वीडियो लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर है, तो लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि लॉन्ग है तो इसलिए मैंने दो ही क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हैक्टिक ना हो बहुत कुछ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है लॉन्ग का, वो बात करेगा आपका कि आपको वेरियस इंस्ट्रूमेंट बताने हैं मनी मार्केट के, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन बात कर रहा है कि आपको सेबी के फंक्शंस को बताना है, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। एक्सप्लेन द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता ही है आपका शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए, शॉर्ट टर्म टाइम के लिए। यानी कि अगर आपको कम समय के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप गो थ्रू करोगे मनी मार्केट, वहाँ से आप शॉर्ट पीरियड के लिए आप फंड रेज कर सकते हो, इन्वेस्ट करोगे, या आपको अगर आप ऐसे कंपनी हो तो आप वहाँ से फंड अरेंज कर सकते हो अपनी शॉर्ट ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट, जैसे कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो गई, आपको अपने बिजनेस के लिए वेजेस पे करना है, सैलरी पे करनी है, या फिर डे टू डे वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए फंड की ज़रूरत है, तो आप मनी मार्केट जाओगे, ओके। तो देखते हैं, मनी मार्केट इज़ द मार्केट ऑफ ट्रेडिंग फॉर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग करता है, ओके, यानी सेल परचेज करता है। द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन मनी मार्केट हैव ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मैक्सिमम 1 ईयर, यानी इसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो मैक्स टू मैक्स 1 ईयर होता है, यानी कि विद इन 1 ईयर के लिए ही ये इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग होती है, सेल और परचेज होती है। उससे ऊपर अगर आप के हैं इन्वेस्टमेंट, तो आप मनी मार्केट की जगह आपको कैपिटल मार्केट की ओर जाना होगा, ठीक है। तो हम इसका पहला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, जो है आपका टी बिल या फिर ट्रेजरी बिल्स। टी बिल और ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, इनको हमने इन शॉर्ट में अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में देख लिया है, बट फिर भी एक बार यहाँ पे भी कवर कर लेते हैं, तो आपका लिंक भी बना रहेगा। ट्रेजरी बिल्स देखिए क्या होते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर वन टाइप शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट दैट इज़ यूज्ड फॉर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। यानी कि देखिए, बोरोइंग कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। यानी कि जब भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत होती है तो फिर वो बोरो करती है पैसे, और उस वो बोरो करने के लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट इशू करती है उसको हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत होती है वो आरबीआई से कंसल्ट करती है, और आरबीआई गवर्नमेंट की नीड को देखते हुए इंस्ट्रूमेंट जो इशू करती है वो होता है ट्रेजरी बिल, ठीक। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और ये बहुत ही कॉमनली यूज है, मतलब कि नोन है, हमेशा ही ऐसा होता है कि मनी मार्केट में ये इजली जो है शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट से मतलब ये कि गवर्नमेंट आपसे प्रॉमिस करती है कि इसकी मैच्योरिटी पे वो आपको इसका पैसा रिटर्न करेगी, ठीक है। तो एक ट्रस्ट रहता है और कि आपको पैसा जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो फुल अमाउंट मैच्योरिटी के टाइम आपको वापस हो जाएगा। इट इज़ ऑक्शन बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो है कौन इसे ऑक्शन करता है, आरबीआई, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत होती है तो उनके बिहाफ पे आरबीआई ये इशू करता है, ऑक्शन करता है मार्केट में, ठीक है। टी बिल्स हैव ए मिनिमम यूनिट ऑफ ₹25,000 एंड इन मल्टीपल्स, जो इनकी मिनिमम यूनिट्स होती है वो 25,000 रुपये से होती है, ठीक है। मिनिमम स्टार्टिंग कितना, कम से कम 25,000 रुपये का टी बिल स्टार्ट होगा, एंड इन मल्टीपल्स, और उसी के मल्टीपल्स में। दे थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स आर प्रेजेंट विच आर वेरिएबल ड्यूरेशन ऑफ 91, 182 एंड 364 डेज। ट्रेजरी बिल हमेशा तीन टाइप की ड्यूरेशंस में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। पहला जो आपका ट्रेजरी जो सबसे कम पीरियड का होता है वो होता है 91 डेज, यानी कि 3 मंथ्स प्लस 1 डे, यानी 91 डेज हो गया। फिर दूसरा आपका आता है 182 डेज, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा। फिर तीसरा जो होगा वो होगा 1 ईयर का, अप टू 1 ईयर, यानी 3 ड्यूरेशन के फॉर्म में टी बिल्स इशू किए जाते हैं। टी बिल्स गेट इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीम्ड एट पार, ये इनका मेन फीचर होता है। ये हमेशा ध्यान रखें कि जो टी बिल होते हैं वो हमेशा इशू जो होते हैं वो डिस्काउंट पे होते हैं और रिडीम पार पे।
इसका मतलब ये हुआ कि टी बिल की जो प्राइस होती है, जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये का एक टी बिल इशू हुआ है, आरबीआई ने इशू किया है, ठीक, तो 1,000 रुपये उसकी फेस वैल्यू हो गई, ठीक। तो फेस वैल्यू आप जब भी इसे परचेज करोगे तो आप अपनी पॉकेट से, क्योंकि ये डिस्काउंटेड पे इशू होता है, ठीक है, इसमें लिखा ना इशूड एट डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट पे इशू है, यानी कि इसके लिए आपको जो पे करना है, आपका जो परचेसिंग कॉस्ट होगा वो आपका या तो 950 या 900 या फिर 800 इस तरीके से होगा, जो भी आरबीआई डिसाइड करेगी, यानी कि आपको 20 10 15 इस तरीके का डिस्काउंट मिल गया। और रिडीम एट पार, जब यानी ये मैच्योर्ड हो जाएगा, आपको वो पैसे रिटर्न बैक होंगे, तो वो आपको एट पार, यानी अगर उसकी वैल्यू 1,000 रुपये उसका फेस वैल्यू है, तो आपको 1,000 रुपये मिलेगा, यानी कि जो बीच का आपने 10-20 रुपये का मार्जिन डिस्काउंट लिया, वही आपका रिटर्न या इनकम कहलाएगा। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड एंड इट इज़ इशूड बाय आरबीआई। देयर इज़ वेरी नेग्लिजिबल रिस्क एंड रिटर्न्स आर अश्योर्ड। देखिए, क्योंकि इसको हम टी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी कूपन ऐसा कुछ नहीं होता, कूपन यानी कि कुछ भी अलग से इंटरेस्ट या डिविडेंड या बोनस ऐसा कुछ नहीं होता, इसका जो डिस्काउंटिंग नेचर है वही इसका रिटर्न होता है, और ऐसा इसी वजह से इसको जीरो कूपन बॉन्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे इशू करता है आरबीआई किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और देयर इज़ अ वेरी नेग्लिजिबल रिस्क, और इसमें रिस्क बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर ही होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई की जब बात होती है तो वहाँ पे ट्रस्ट होता ही होता है, ठीक है, तो वहाँ पे रिस्क के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। एंड रिटर्न्स आर अश्योर्ड, और रिटर्न्स आपका अश्योर्ड होता है, और रिटर्न्स क्या हो गया, डिस्काउंट, जो भी आपको 15-20 रुपये कम पे करना पड़ता है वही आपका रिटर्न्स होता है, तो ये अश्योर्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना टी बिल समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि है हमारा कॉमर्शियल पेपर, उसको समझते हैं कि ये क्या होते हैं, कॉमर्शियल पेपर या फिर सीपी। कॉमर्शियल पेपर आर वन ऑफ द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट दैट आर अनसिक्योर्ड, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर भी मनी मार्केट का एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ये भी, इससे भी हमें ये समझ में आ गया कि ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, यानी विद इन 1 ईयर के लिए ही हमें परचेज करना होगा, तो करना होगा, मतलब हमें पैसों की अगर ज़रूरत है या हम अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम कॉमर्शियल पेपर लेकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड से क्या मतलब हुआ, अनसिक्योर्ड से मतलब ये हुआ कि अगर हमने पैसे अपने इन्वेस्ट किए हैं या हम किसी कंपनी ने उसको फ़ंड की ज़रूरत थी तो उसने कॉमर्शियल पेपर इशू किए मार्केट में और फ़ंड उठाया, तो जब भी वो पैसे उसके मैच्योर्ड हो जाएंगे तो वो मैच्योरिटी के टाइम पे अगर कंपनी वो मैच्योर्ड पैसा नहीं रिटर्न कर पाई तो आप उस कंपनी के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं क्लेम कर सकते, मतलब कि हाँ मुझे ये पैसे नहीं मिले हैं तो मैं उसका ये असेट्स लेकर के अपने पैसे चुका लूँ, ऐसा नहीं। सिक्योर्ड का मतलब कि किसी चीज़ को गिरवी रख के हमें जो पैसे मिलते हैं उसकी बात होती है, ठीक है। और अनसिक्योर्ड मतलब कि उसके लिए कोई भी सिक्योरिटी ऐसे कुछ भी नहीं है, ओके, तो ये हो गया। लेकिन देखिए, फिर ऐसा अगर है तो एक बात ये भी आती है कि अगर ये इतना अनसिक्योर्ड है तो फिर कौन इसको परचेज करेगा, कौन इसमें पैसे इन्वेस्ट करेगा, ठीक। तो उसी की जगह पे ये आता है, क्योंकि ये कॉमर्शियल पेपर एक प्रॉमिसरी नोट है, और जो है क्योंकि ये इशू कौन करता है, एक क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी, यानी कि जो भी कंपनी क्रेडिट वर्दी है, इनकी गुडविल मार्केट में नोन है, क्रेडिट रेटिंग उनकी अच्छी है, मतलब उस कंपनी पे लोग भरोसा करते हैं कि ये कंपनी जो है डूबेगी नहीं, हमारे पैसे हमें रिटर्न के साथ लौटाएगी, तो ऐसी जगह पे वो अनसिक्योर्ड है लेकिन फिर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे पैसा, ठीक है। और इनकी वर्दीनेस चेक कैसे होती है, वो आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं हमारे इंडिया में जो इनकी वर्दीनेस को चेक करती हैं। हमारे इंडिया में जैसे आपका इकरा हो गया, क्रिजल हो गया, ये जो है हमारे जो भी कंपनीज़ हैं उनकी वर्दीनेस को चेक करती है। अब इस तरह की कंपनीज़ में आपकी कंपनी आ जाती है, जैसे रिलायंस, टाटा, है ना, L&T आ गई, TCS आ गई, ये सब कंपनी जिस पे कि आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ ये कंपनी हमारे पैसे मेच्योरिटी के टाइम पर रिटर्न करेगी, ओके। आगे पढ़ते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉमिसरी नोट दैट इज़ ट्रांसफरेबल एंड निगोशिएबल विथ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मैक्सिमम 1 ईयर, यानी ये भी एक प्रॉमिसरी नोट है और ये ट्रांसफरेबल भी है। ट्रांसफरेबल से मतलब अगर मेरे नाम पे मैंने खरीदा है इसको तो मैं इसे किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, और उस समय जिसको भी पैसों की ज़रूरत है, मतलब मुझे ज़रूरत है तो मैं उसको किसी और को दे सकती हूँ कि वो बाद में ले ले मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा। एंड ट्रांसफरेबल और निगोशिएबल का यही मतलब हुआ कि हम किसी और को भी दे सकते हैं, ओके।
देन आफ्टर होता है इसका मैक्सिमम पीरियड मैक्सिमम 1 ईयर. दीज इंस्ट्रूमेंट्स वर यूज बाय कंपनीज हैविंग क्रेडिट वर्थिनेस इन द मार्केट फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स. ठीक है, देखिए वही बात कही कि ये इंस्ट्रूमेंट वही कंपनी इशू कर सकती हैं जिनकी क्रेडिट वर्थिनेस होती है मार्केट में. और क्रेडिट वर्थिनेस जो क्रेडिट एजेंसी है वो किस बिहाफ पे आपका चेक करती है कि आपकी नेटवर्क कम से कम 5 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, करंट रेशियो आपका जो भी उसका रेशियो होता है 1.33:1, ये सारा कुछ मीट आउट होना चाहिए, है ना. और जो है ये जो उनके चेकिंग पॉइंट्स होते हैं वो अगर उसमें फुलफिल करती है तो ही वो कंपनी आपके कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है. मतलब वो क्रेडिट के रेटिंग के उसमें सिनेरियो में वो कंफर्म खरी उतरती है. ओके, दीज आर यूज एज ऑल्टरनेटिव टू बोरोइंग्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट और बैंक्स एंड ऑफर इंटरेस्ट लोअर देन मार्केट. ये आप जो है जो कंपनी है वो जिन्हें फंड की जरूरत होती है वो जो है कैपिटल मार्केट और बैंक से बोरो ना कर करके वो पब्लिक में इसको इशू करके पब्लिक से फंड रेज करती है. और ये ऑफर जो इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है वो लोअर देन मार्केट, यानी मार्केट का जो इंटरेस्ट चल रहा था उससे वो कम में ऑफर वो करती है. ठीक है, कमर्शियल पेपर आर यूज मेनली फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग. ये क्या होता है ब्रिज फाइनेंसिंग का? मतलब देखिए जैसे कोई भी कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस की कंपनी है, ठीक है, रिलायंस कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला है कि उसे एक हॉस्पिटल बनाना है. ठीक, उस हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट उनका पास होगा, गवर्नमेंट से उसे फंड भी मिल गया. अब मगर वो जो फंड है वो अपने लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए इंफ्रा के लिए उन्होंने यूज़ किया. अब मगर कुछ हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स भी होती हैं कि हमें 1-2 महीने के लिए फ़ंड की ज़रूरत है, जैसे कि हमें वेजेस देना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, है ना, या डे टू डे वर्किंग प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट खरीदने, ये सारी चीज़ें करें, तो इनके लिए हम फंड कहाँ से करें. तो इन सारी नीड को फुलफिल करने के लिए हम जब फंड मार्केट से उठाते हैं उसके लिए हम कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं. ठीक, तो ये नीड को पूरा करने के लिए कॉमर्शियल पेपर का यूज़ होता है ब्रिज फाइनेंसिंग, यानी कि ब्रिज एक गैप को ये फिल करता है. दो जैसे कि जो भी मान लीजिए एक फ्लाईओवर है उसके बीच का जो पार्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए ये ब्रिजिंग का काम करती है. ठीक है, उसको बनाती है. तो ऐसे यानी कि कॉमर्शियल पेपर जब भी यूज़ होता है तो यानी इसका ये मतलब होता है कि वो किसी बड़ी रिक्वायरमेंट की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इशू हो रहा है. ठीक, आगे बढ़ते हैं, हमारा कॉमर्शियल पेपर यहाँ हो गया. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कॉल मनी. ठीक है, कॉल मनी हमारा थर्ड इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का. तो कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चॉइस फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन. यानी कि जब भी इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी कि किसी दो बैंकों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उनकी चॉइस अगर है, मतलब उन्हें नीड है पैसों की, तो वो जो अपनी नीड है उनको फुलफिल करने के लिए कॉल मनी इशू करते हैं. ओके, इन दिस, मतलब ये पब्लिकली नहीं इशू होता, ये बैंकों के बीच में ही इशू होता है. इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट द बैंक बोरोज अ सम फॉर फ्रॉम ईच अदर इन ऑर्डर टू मेंटेन एनी काइंड ऑफ शॉर्टफॉल इन CRR. ठीक है, यानी कि पहले तो ये लाइन समझ लीजिए, फिर आगे इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि जब भी बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती तो बैंक बोरो करता है कुछ भी सम ऑफ मनी फ्रॉम ईच अदर, अपने ही एक दूसरे बैंक से, ब्रांचों से, इन ऑर्डर टू मेंटेन. किसको मेंटेन कर लेने के लिए? अगर कोई शॉर्टफॉल हो रही है CRR में. तो अब ये CRR क्या है? CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो. ठीक है, ये एक ऐसा रिजर्व रेशियो होता है ये कि RBI आपको बोलती है कि आपको CRR मेंटेन करना है हर बैंक को. इसका मतलब ये हुआ कि आपको जितनी भी आपको अपनी डिपॉजिट्स मिल रही हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक बैंक है ABC बैंक. ओके, ABC कोई जो मंथली डिपॉजिट है वो मान लीजिए 10 लाख रुपए है. तो अगर 10 लाख रुपए है तो RBI ये बोलता है कि जितनी भी आपकी डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज जो भी RBI ने डिटरमाइन कर रखा होगा 2%, 3%, ठीक है, उतना आपको उसको RBI को डिपॉजिट करना पड़ता है. यानी अगर 10 लाख है तो 10 लाख का 2% कुछ अमाउंट आपको जाकर के RBI में वो डिपॉजिट करना है. अब वो अमाउंट जो उस बैंक को डिपॉजिट करना होता है, अगर उस CRR की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में वो अनेबल है, तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो दूसरे बैंक से पैसे बोरो करता है. ठीक है, यानी कि मान लीजिए उसे 2 लाख रुपए डिपॉजिट करने हैं और उस टाइम पे उसके पास हार्डली 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, अगर उसको शॉर्टफॉल 1 लाख रुपए की पड़ रही है, तो ABC जो बैंक है वो मान लीजिए PQR बैंक से 1 लाख रुपए बोरो करेगा.
ठीक है, तो इसी बोरो को यानी कि कॉल मनी बोला जाता है कि उसे ज़रूरत है तो उसने मनी की कॉल किया और दूसरा जो PQR बैंक है वो उसे प्रोवाइड करेगा। कॉल मनी हैव मैच्योरिटी ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, इसकी जो मैच्योरिटी होती है बहुत ही कम ड्यूरेशन होती है, मतलब ये जो होते हैं ये R2R चलते हैं और या फिर डे टू डे, मतलब इस तरह के चलता, हो सकता है उन्हें एक दिन के लिए शॉर्टेज हो, नेक्स्ट डे वो जैसे ही उनके पास डिपॉजिट है वो रिटर्न कर देंगे, या अभी उन्हें कुछ घंटों की ही शॉर्टेज हो सकता है, अगले 2 घंटे लेकिन अभी उन्हें पैसे चाहिए, 2 घंटे बाद उसके पास मनी आएगी तो वो पैसे उसके रिटर्न बैक करेंगे, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि कॉल मनी की जो मैच्योरिटी है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। इंटरेस्ट दैट इज पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड एज कॉल रेट, यानी कि जो इस पे इंटरेस्ट पे किया जाए, भाई अगर बैंक बोरो कर रहा है पैसा तो उसको भी तो इंटरेस्ट पे ही करना, अदरवाइज तभी दूसरा बैंक उसे उधार देगा, वरना क्यों देगा जब तक वो उससे कुछ कमाएगा नहीं, ठीक है। तो जो इस पे इंटरेस्ट दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉल रेट, ओके। यानी अगर ABC बैंक ने 1 लाख रुपए उधार लिए PQR बैंक से, तो PQR बैंक उस 1 लाख रुपए तो देगा ही देगा, उस पे वो कुछ उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो यही इंटरेस्ट जो भी होगा 3% 2%, तो ये इंटरेस्ट उसका कॉल रेट कहलाएगा। कॉल रेट हैव निगेटिव रिलेशनशिप विथ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स विथ राइज इन कॉल रेट द अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बिकम चीपर। देखिए कॉल रेट यानी कि जो रेट उस समय चल रहा होगा, कॉल रेट मान लीजिए उस समय 5% चल रहा है, तो इसका जो रिलेशन होता है अदर इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि कॉल मनी भी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका कंपेरिजन अदर इंस्ट्रूमेंट से भी होता है, जैसे कि कॉमर्शियल पेपर हो गए, आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गया, इन सब से भी जो है कंपेरिजन होता है। तो अगर उस समय कॉल रेट का जो इंटरेस्ट 5% है और मार्केट की अदर इंस्ट्रूमेंट से देखा जाए कि वो उस टाइम पे इससे कम इंटरेस्ट है, तो मतलब बोला जाता है कि इनका जो रिलेशनशिप होता है वो निगेटिव यानी कि उल्टा होता है। अगर वो ज़्यादा है तो अदर इंस्ट्रूमेंट जो है कम होंगी, उनका रेट कम होगा, यानी कि वो चीपर होंगी, वो सस्ती होंगी, और अगर कॉल रेट आपकी सस्ती है यानी कि 4% 3% है तो अदर इंस्ट्रूमेंट आपकी महंगी होंगी, ठीक है। इनवर्स रिलेशन होगा, अगर वो मतलब अगर कॉल रेट ज़्यादा है तो अदर इंस्ट्रूमेंट आपको कम दाम में मिलेंगे, और अगर कॉल रेट कम है तो अदर इंस्ट्रूमेंट आपको महंगे दाम में मिलेंगे। वही यहाँ पे कह रहा है बिकम चीपर विच इंक्रीजेस देयर डिमांड, और जब अदर इंस्ट्रूमेंट सस्ती हो जाती तो उससे उनकी डिमांड बढ़ जाती, क्योंकि अब हर वो शेयर कम प्राइस में मिल रहा है तो लोग पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेज करेंगी, उनकी डिमांड्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉल मनी। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जो है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड वही कि मतलब इसके अगेंस्ट में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, ये अनसिक्योर्ड होता है, निगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, इन बियरर फॉर्म, इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, देखिए इसमें 2-4 जो वर्ड्स हैं ये आपको ध्यान रखना है, और जब ये आप लिखेंगे तो ये इफेक्टिवली थ्योरी का काम करता है। पहला कि ये अनसिक्योर्ड है, दूसरा निगोशिएबल है, निगोशिएबल यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट तो है ही है क्योंकि ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। इन बियरर फॉर्म, बियरर फॉर्म यानी कि उसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता है, जिसके पास है वो उस टाइम पे उसका ओनर होता है। जैसे कि हम अपने नोट की बात करें, हमारे नोट में लिखा रहता है मैं धारक को पे करने का वचन देता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, यानी अगर उस समय आपके पास 2000 का नोट है तो आप उस समय 2000 के नोट के ओनर हुए, वैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हुआ कि ये बियरर फॉर्म में अगर उस टाइम पे ये आपके हैंड में है तो आप उसके ओनर हुए, आप उसको जो है मैच्योरिटी टाइम में उसका बेनिफिट ले सकते हो, मतलब ये निगोशिएबल तभी है ना। इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक, और ये इसे इशू कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक हो गए या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, ये लोग इन्हें इशू करते हैं। दे कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल्स, यानी कि इंडिविजुअल भी अगर चाहें तो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉरपोरेशन एंड कंपनीज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी, यानी कि ये दे कैन बी इशूड टू किसको किसको इशू, मतलब ये कौन कौन खरीद सकता है, इंडिविजुअल खरीद सकते हैं, कॉरपोरेशंस खरीद सकते हैं, है ना, और कंपनीज भी खरीद सकती हैं उस पीरियड में जब टाइट लिक्विडिटी, टाइट लिक्विडिटी से मतलब कि जब उस टाइम पे मार्केट में पैसों की बहुत ज़रूरत है उस समय पैसा अवेलेबल ही नहीं है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करके पैसे की जो है अरेंजमेंट करी जा सकती है। व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो, यानी कि बैंक से डिपॉजिट्स जो है कम हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ बहुत कम है, बैंक के पास भी डिपॉजिट्स नहीं है,
ठीक है, बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई, लेकिन उधार की जो डिमांड है यानी कि लोग उधार पे लेने के लिए वो हाई है, लिक्विड में मनी कम है लेकिन उधार पे ज़्यादा है, तो उस टाइम पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए जाते हैं जिससे कि लिक्विडिटी को मेंटेन किया जा सके, ओके। और ये इशू कौन करता है, कमर्शियल बैंक हो गए, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, ओके। दे हेल्प टू मोबिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड, ठीक, ये मोबिलाइज करते हैं बहुत बड़े अमाउंट में पैसे को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि हर कोई खरीदेगा उसमें इन्वेस्ट करेगा तो मनी फिर से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक। तो हमने अपना फोर्थ इंस्ट्रूमेंट भी कवर कर लिया, अब हम अपने लास्ट इंस्ट्रूमेंट पे जाते हैं जो कि है हमारा कॉमर्शियल बिल, ओके। हमने कॉमर्शियल पेपर भी देखा, ठीक है, और कॉमर्शियल बिल, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पेपर है, और ये पेपर बेसिकली देखिए ये कॉमर्शियल पेपर ये कंपनीज के लिए है, वो भी ट्रिपल ए रेटेड यानी जिनकी रेटेड रेटिंग पोजीशन अच्छी है, और ये लॉन्ग टर्म को फाइनेंस करने के लिए, मतलब कि बड़े प्रोजेक्ट में अगर छोटे चीज़ों की ज़रूरत है तो उस टाइम पर ये हेल्प करता है बिजनेस फाइनेंस। अब कॉमर्शियल बिल क्या है, ठीक है, ये बिल क्योंकि ये छोटा है, बिल छोटा होता है तो ये मान के चलिए छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कॉमर्शियल बिल इज ऑल्सो नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज यूज फॉर फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म। देखिए यहाँ पे ये फर्म के लिए यूज हो रहा है, और कॉमर्शियल बिल को आप बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जानते हो या जाना जाता है, ठीक है, जिसको आप पढ़ चुके हो। बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि एक ऐसा बिल जो कि जो है पर्सन एक्सेप्ट करता है, और जब उसको पैसों की जरूरत होता है वो बैंक में जाके उससे पैसे ले लेता है, ठीक है। और ये हेल्प किस लिए होता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यानी डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शन है ना उसकी पूरा करने के लिए ये इशू किया जाता है। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म निगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल ऑफ फर्म्स। ये एक शॉर्ट टर्म है, थोड़े ही पीरियड के लिए होता है, एक महीना, दो महीना, छः महीना, इस तरीके के लिए। निगोशिएबल है यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेल्फ लिक्विडेटिंग यानी जब भी हमें पैसे की ज़रूरत है हमने उसको बैंक में गए, डिस्काउंट कराया और पैसे ले लिया। विच इज़ यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ फर्म, और जिसका बेसिकली यूज़ किस लिए होता है कि फर्म जो कि उधार में सामान बेचती हैं और उन्हें जब भी पैसों की ज़रूरत हो वो उससे पैसे ले लें, ठीक है। When goods are sold on credit, देखिए ध्यान से सुनिए, जब goods आपका उधार पे बेचा जाता है, the buyer becomes liable to make payment on specific date in future. जैसे मान लीजिए, मैं इसको example से समझाती हूँ, एक जनरल स्टोर की शॉप है, रघु जनरल स्टोर, ठीक है, रघु जनरल स्टोर पे जो है कस्टमर आता है, कोई पर्सन आया, पर्सन पीटर, ठीक है, कोई पीटर, मिस्टर पीटर आए सामान खरीदने, उन्होंने 5,000 रुपये की मंथली ग्रॉसरी की शॉपिंग करी। अब 5,000 रुपये राइट नाउ इन फ्रंट उनके पास नहीं है पैसे, ना कैश है, ना कार्ड है, ना व्हाटएवर, कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं अभी अनेबल हूँ पेमेंट करने के लिए, मुझे थोड़ा फ्यूचर में टाइम दीजिए, मैं इसको 15 दिन पे या 1 महीने बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो रघु जनरल स्टोर ने कहा ओके, आई एम फाइन विथ यू, मैं आपको एक मैं बिल लिखता हूँ, मैं बिल रेस करता हूँ, ठीक है, तो आप वो बिल मुझे एक्सेप्ट करके दे दीजिए, ठीक। तो अब वो जो बिल लिखेगा, बिल उनके नाम पे होगा कि वो 15 दिन बाद मिस्टर पीटर रघु जनरल स्टोर को 5,000 रुपीज पे करेगा। उन्होंने बिल्स एक्सेप्ट किया, साइन करके रघु को दे दिया। अब वो बिल उसने अपने पास रखा रहा, क्या होगा इससे, मान लीजिए रघु को 5,000 रुपये की आज ही जरूरत है, वो 15 दिन का वेट नहीं कर सकता है, तो वो इसका यूज़ वो कैसे कर सकता है, वो ये बिल जो कि कॉमर्शियल बिल के नाम से या बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, वो ये बिल ले जाएगा बैंक में, किसी भी कॉमर्शियल बैंक में, वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे ये बिल दिखाएगा, बैंक इमीडिएटली इस बिल का पेमेंट कर देगा कुछ कमीशन उमीशन काट के, ठीक है, और फिर जब ड्यू डेट आएगी यानी आफ्टर 15 डेज, तो बैंक ये बिल मिस्टर पीटर के से इसका पेमेंट रिसीव कर लेगा। मान लीजिए आफ्टर 15 डेज मिस्टर पीटर इसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो बैंक रघु जनरल स्टोर से इसका चार्ज लेगा, ठीक है। तो ये कहानी है कॉमर्शियल बिल की। अब इसमें हम देख लेते हैं, देखिए, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द बायर बिकम्स लायबल टू मेक पेमेंट ऑन स्पेसिफिक डेट इन फ्यूचर। जब भी गुड्स उधार पे बेचा जाता है तो जो भी बायर होता है वो लायबल होता है कि वो उसका पेमेंट करे ऑन स्पेसिफिक डेट इन फ्यूचर, जो भी स्पेसिफिक डेट के लिए वो कंफर्ट होता है पेमेंट करने के लिए उस पे।
द सेलर कुड वेट टिल द स्पेसिफिक डेट और मेक यूज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, या तो सेलर उसने दिन तक वो वेट करे, उसे स्पेसिफिक दिन का 15 दिन, 1 महीना, जितना भी उसके जो है उसने प्रॉमिस किया उतने दिन वो वेट करे, या फिर वो उसको एज ए बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ कर सकता है. वो मैंने आपको बता ही दिया कैसे कर सकता कि बैंक जाए और उसे डिस्काउंट करा ले. द सेलर यानी कि ड्रॉअर है ना, सेलर ड्रॉअर ऑफ द गुड्स ड्रॉज द बिल एंड द बायर यानी कि ड्रॉई एक्सेप्टेड. जो सेलर यानी कि जो रघु जनरल स्टोर है वो ड्रॉअर हो गया, उसने बिल लिखा है ना कि जो भी सामान उसने बेचा, और बायर बन गया ड्रॉई यानी उसने एक्सेप्ट किया बिल पे, अपनी साइन की है. एक्सेप्ट कैसे करेंगे, साइन करके उस बिल पे कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं 15 दिन के बाद ये पेमेंट कर दूंगा. ऑन बीइंग एक्सेप्टेड द बिल बिकम्स मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट. और जब जैसे ही वो बिल को वो एक्सेप्ट कर लेता है अपनी साइन करके, तो वो मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है. यानी कि अब ये वो इसको किसी को भी दे के पैसे ले सकता है, और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ दैट वो मिस्टर पीटर से इस इंस्ट्रूमेंट को दिखा के उसका पेमेंट वो पर्सन ले सकता है. ओके, जैसे बैंक का ही हुआ, बैंक 15 दिन वेट करने के बाद मिस्टर पीटर के पास जाएगा, लेकिन अगर रघु को आज जरूरत है तो उसने बैंक के साथ निगोशिएट किया ना, उसने तो पैसे अभी ले लिए, उसने वेट ही नहीं किया. ठीक, ऑन बींग एक्सेप्टेड द बिल बिकम्स अ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट एंड इज कॉल्ड अ ट्रेड बिल. ये ट्रेड बिल कहलाता है. दीज बिल्स कैन बी डिस्काउंटेड विथ अ बैंक इफ द सेलर नीड्स वन बिफोर द बिल मैच्योर. पता है ना मैंने आपको कि बिल मैच्योर से पहले अगर सेलर को जरूरत है पैसों की, तो वो और जल्दी ही बैंक से जाके उसको डिस्काउंट करा सकता है. वेन अ ट्रेड बिल इज एक्सेप्टेड बाई अ कॉमर्शियल बैंक, इट इज नोन एज कॉमर्शियल बिल. ठीक है, जब ये ट्रेड बिल बैंक एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब वो पेमेंट करने के लिए राजी हो जाता है, तो इसको हम कॉमर्शियल बिल कहते हैं. ठीक, तो आप बस ये ध्यान रखना कि अगर कॉमर्शियल बिल की बात आ रही है तो ये फर्म यानी छोटी फर्म, छोटे बिजनेसमैन के लिए बात हो, लेकिन जहाँ पे कॉमर्शियल पेपर की बात हो रही तो वहाँ बड़ी लार्ज कंपनी, क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी के बारे में बात हो रही. ओके, तो यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, वो 5 समझ लिए और जो है कंप्लीट कर लिए. अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे लीड करते हैं. यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको सेबी के फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. सेबी और द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1988 इन ऑर्डर टू अचीव द ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन एन ऑर्डरली मैनर. ओके, जो सेबी है उसका तो पहले तो फुल फॉर्म ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, ऑफ इंडिया, जो कि एस्टैब्लिश कब हुआ है, 1988 में. इन ऑर्डर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो है इसे ग्रोथ करना है सिक्योरिटीज़ मार्केट में, मतलब सिक्योरिटीज़ मार्केट को आगे बढ़ाना है इन ऑर्डरली मैनर, प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस के साथ. ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये इन्वेस्टर को प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे. ठीक है, यानी उनके साथ कुछ भी मिसलीड फ्रॉड नहीं होना चाहिए. सेबी परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस. ओके, हम लोग देख लेते हैं क्या फंक्शन है. अगर आपको सेबी के ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं तो वो मैंने शॉर्ट नोट्स में कवर किए हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो में जाके देख सकते हो. तो पहला फंक्शन है इसका रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलेट करना. सेबी परफॉर्म द रेगुलेटरी फंक्शन, यानी कि ये स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस को डिफाइन करता है, उन्हें बताता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने, और अगर वो नहीं करता तो उसके लिए पनिशबल जो है कुछ ना कुछ रखता है कि उन्हें पनिश किया जाए या कुछ भी ऐसा जिससे कि परफॉर्मेंस सही से आ सके. सेबी परफॉर्म द रेगुलेटरी फंक्शन बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ एजेंट सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट. ठीक है, यानी कि परफॉर्म रेगुलेटरी फंक्शन कैसे करता है, वो एजेंट का रजिस्ट्रेशन करके सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर जो भी होते हैं मार्केट में, ठीक है, उनके बिहाफ पे वो जो है रजिस्ट्रेशन करता. इट ऑल्सो मैनेज रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, यानी कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम के रजिस्ट्रेशन को भी मैनेज करता है. ठीक है, यानी कि सिर्फ एजेंट सब ब्रोकर इनके भी नहीं, म्यूचुअल फंड स्कीम की भी कंपनी को मैनेज, उनके रजिस्ट्रेशन को भी मैनेज करता है. द रेगुलेशंस ऑफ सेबी ऑल्सो इन्वॉल्व वर्किंग ऑफ द मर्चेंट बैंकर्स अंडर राइटर स्टॉक ब्रोकर एंड अदर मार्केट इंटरमीडियरीज. ठीक है, जो सेबी की रेगुलेशन है उसमें इनका और भी क्या क्या काम इन्वॉल्व है, मर्चेंट बैंकिंग की वर्किंग को देखना, मर्चेंट बैंकर्स की वर्किंग को देखना, अंडरराइटर्स की, स्टॉक ब्रोकर की और अदर मार्केट इंटरमीडियरीज की, मतलब एक तरह से ये सबकी वर्किंग की निगरानी करता है, देखता है. जस्ट समझिए सेबी को एक स्कूल का प्रिंसिपल, जो टीचर्स, प्योन, स्टाफ,
अकाउंटेंट सबकी वर्किंग को देखता है, नज़र रखे रहता है कि सब कुछ काम प्रॉपर से हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही सेबी को भी समझ लीजिए, ओके। इट कंडक्ट्स स्टॉक एक्सचेंज ऑडिट्स ऑन रेगुलर बेसिस, और इसी को सब देखने के लिए वो स्टॉक एक्सचेंज ऑडिट भी रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट कराता रहता है, जिससे कि ऑडिट से ही जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का रिपोर्ट कार्ड आता है, तो उसी से वो उनके वर्किंग परफॉर्मेंस को चेक कर पाता है, मॉनिटर कर पाता है, ठीक है। तो सेबी क्या परफॉर्म करता है, रेगुलेटरी फंक्शन, यानी कि वो हर किसी की फंक्शन, अब सब में कौन आगे, एजेंट सब, ब्रोकर ब्रोकर, ठीक है, उनको देखता है, उनके रजिस्ट्रेशन का काम देखता है, दूसरा सबकी वर्किंग को जो है चेक करता रहता है, मॉनिटर करता है, ठीक है, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, स्टॉक ब्रोकर और अदर मार्केट इंटरमीडियरीज हो गए, ठीक है। सेकेंड जो फंक्शन है वो है डेवलपमेंट फंक्शन, कि अब वो डेवलपमेंट फंक्शन पे भी फोकस करता है कि कैसे हमें स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करना है, क्या क्या प्रोग्राम्स रखने हैं, कैसे इसकी अवेयरनेस को बढ़ानी है, ठीक है। सेबी प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द मीडियम्स इन्वॉल्व्ड इन सिक्योरिटी मार्केट इन ऑर्डर टू अचीव अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। सेबी प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मीडियम्स, यानी कि कभी एड के थ्रू, कभी मूवीज़ के थ्रू, है ना, या फिर इंफॉर्मेशन जो है वीडियोज़ के थ्रू करके वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बताता रहता है सिक्योरिटीज़ मार्केट की, जिससे कि एक हेल्दी ग्रोथ हो सके, सिक्योरिटी मार्केट के अवेयरनेस फैल सके। इट ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च ऑन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ मार्केट एंड पब्लिशेज दैट रिसर्च इन्फॉर्मेशन विच इज़ हेल्पफुल फॉर इन्वेस्टर एंड मार्केट प्लेयर्स इन मेकिंग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ओके। ये रिसर्च भी कंडक्ट करवाते हैं। अब जैसे आप ही लोग देखो, कभी तो कभी आपको ऐसे फ़ोन पे या किसी पे ऐसी कुछ अचानक से कोई नोटिफिकेशन आता है कि ये सर्वे है, आप अगर इसमें अपना फीडबैक देंगे तो ये सर्वे आगे कंटिन्यू कुछ क्वेश्चन आंसर पूछते। इसी तरीके से सेबी भी सर्वे करवाता है, रिसर्च करवाता है मार्केट में स्पेसिफिक एरियाज़ में, और उसके बाद वो रिसर्च का पब्लिश भी वो करता है अपनी जो भी उनके बुक्स आती होंगी, मैगजीन्स आती होंगी उसमें। उससे क्या होता है, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, उस वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल होती है किसके लिए, उस इन्वेस्टर के लिए जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने वाला है, मार्केट प्लेयर्स के लिए, कि वो मार्केट प्लेयर जो ब्रोकर हैं, एजेंट हैं, उन सब के लिए, कि उनको भी अपना ग्रोथ दिखता है कि हाँ यहाँ पे मुझे अच्छा एक्सपोजर मिलेगा तो मैं यहाँ पे अपनी वर्किंग को अपना काम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही रिसर्च हेल्पफुल होता है। इट ऑल्सो इनेबल्ड ट्रेडिंग वीआ आईपीओ इंटरनेट ट्रेडिंग विच हैज़ रिजल्टेड इन ग्रोथ ऑफ द मार्केट। ये इनेबल करता है ट्रेडिंग को कैसे, आईपीओ, यानी कि जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है उसके थ्रू, मतलब ट्रेडिंग को भी सपोर्ट करता है कि कैसे सेल परचेज होनी चाहिए, आप आईपीओ के थ्रू हो रही है या इंटरनेट ट्रेडिंग हो रही है, है ना। जिससे कि अगर जब हर जगह से भी देख के ध्यान से चलेगा तो उससे क्या होगा, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो ग्रो करेगी, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आप देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, अगर कहाँ क्या है, कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना वाइज डिसीजन लो कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो सेबी एक तो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, दूसरा डेवलपमेंट फंक्शन, अब तीसरा है हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक। सेबी प्रिवेंट्स ट्रेड प्रैक्टिसेस विच आर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर, ठीक है। वो प्रिवेंट करता है उन प्रैक्टिसेस को जो कि फ्रॉड होते हैं या अनफेयर होते हैं, उनको पूरी तरह से प्रिवेंट करता है, रोकता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस मार्केट में ना चले जिससे कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट हार्म ना हो। इट ऑल्सो प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर मैनिपुलेटिव एंड मिसलीडिंग दैट कैन हैव अ निगेटिव इम्पैक्ट ऑन सिक्योरिटीज मार्केट। ये उन इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड होने से भी, फैलने से रोकता है जो कि मैनिपुलेटिव या फिर मिसलीड कर सकती हैं या निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट। मान लीजिए किसी ने कोई भी ऐसी मनगढ़ंत कहानी या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मार्केट में लीक करी कि इस शेयर के मार्केट प्राइस अभी 2 घंटे बाद एकदम ही लो हो जाएंगे, तो उससे क्या हो गया, ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी, अब जो भी इन्वेस्टर सीकर होगा उस टाइम पे देखेगा कि अरे जो अभी शेयर मान लीजिए 200 रुपए का है वो एकदम 50 रुपए में आके गिरने वाला, तो हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा बोरो कर परचेज करने की कोशिश करेगा, है ना। और लेकिन जब एक्चुअल में देखा गया तो ऐसा कुछ नहीं है, तो उससे क्या होगा, कितने सारे इन्वेस्टर धोखा खाएंगे, चीट होगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड होने से भी वो सेबी रोकता है, प्रोटेक्ट करता है हमें। इट ऑल्सो कीप्स अ चेक ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग वेयर बिजनेस इन्फॉर्मेशन इज लीक बाय एन इंडिविजुअल ऑफ कंपनी विच कैन इम्पैक्ट बिजनेस डिसीजन। और इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग से ये मतलब कि
विद इन अ कंपनी अगर कुछ ऐसा मैनिपुलेशन हो रहा है, क्योंकि बिजनेस इन्फॉर्मेशन जितने भी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन होती है वो उस कंपनी के हायर अथॉरिटी के पास होती ही होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर रिलायंस अपने कंपनी के शेयर इशू करने वाला है, आज उसके प्राइस 100 रुपये हैं और उसे पता है अगले 4 महीने बाद इसके प्राइस हमें 200 रुपये हो जाएंगे या फिर जो है 200 ही मान लीजिए, ठीक। तो कंपनी के स्टाफ ने क्या किया कि कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खुद ही खरीद लिया, परचेज कर लिया, जिससे कि जब वो शेयर के प्राइस 4 महीने बाद महंगे होंगे तो वो उसका फ़ायदा उठाएंगे और मार्केट में तब वो सेल कर देंगे। तो इस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग ये अदर पब्लिक को तो नुकसान करेगी ना, क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं खरीदने के लिए, वो खरीद ही नहीं पाएंगे, वो शेयर में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे उन्होंने, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्ड कर लिए कंपनी के स्टाफ ने, ठीक है। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग पे भी वो कीप चेक मतलब प्रॉपर मॉनिटर करता रहता है और रोक के रखता है कि ऐसी ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, विच कैन इम्पैक्ट बिजनेस डिसीजन, जो कि बिजनेस डिसीजन को इम्पैक्ट करे, जो है निगेटिव रोल प्ले करे। से वी ऑल्सो एक्ट एज प्रमोटर ऑफ फेयर ट्रेड एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, ठीक है। से बी प्रमोटर ऑफ फेयर ट्रेड एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, यानी कि सेबी जो है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और फेयर ट्रेड को एज ए प्रमोट करने का भी काम करता है, यानी कि ट्रेडिंग प्रॉपर फेयर होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, इस पर निगरानी रखना, किसी भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है कुछ भी गलत ना हो, फ्रॉड ना हो, उस पर पूरा ध्यान देना, ठीक है। तो ये सारा काम करता है, ये आपका आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन में। इट ऑल्सो प्रिवेंट मैन्युपुलेशन ऑफ सिक्योरिटी, यानी अगर कहीं पे मैन्युपुलेशन हो रहा है सिक्योरिटी के साथ में तो उसको भी रोकता है। तो सेबी का जो काम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट काम है, जो जिसे इसे पूरी डेडिकेशन के साथ करना होता है, ठीक है। और इसी वजह से इसी ट्रस्ट के साथ हर इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट में इन्वेस्ट भी करता है, क्योंकि पता है कि सेबी इज देयर उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो सेबी के फंक्शंस क्या हो गए, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का क्लास ख़त्म होता है, ये दो क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई हो। तो अगर आपको आज की क्लास समझ में आई तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आपसे फिर मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।